Diabetes has a strong link to family history. If your father is diabetic, then 30% chances है कि आपके अंदर भी diabetes आ सकती है. If your mother is diabetic, then chances थोड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. And if mother and father both are diabetic, then 70% chances है कि आपको भी diabetes हो सकती है. Well, genetically आपके अंदर diabetes आए ना आए, but एक बेकार lifestyle से आपको diabetes ज़रूर हो सकती है. एंड वॉट इफ मैं आपको बोलूं कि आपके अंदर डायबिटीज वाले जेनेटिक ट्रेट्स आए हैं, फिर भी आप एक अच्छे लाइफस्टाइल से अपने आप को बचा सकते हैं डायबिटीज होने से. After all, prevention is better than cure, right? Hi everyone, my name is Ambika Dutt. मैं हूँ आपकी roaming nutritionist और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कैसी छोटी छोटी लापरवाही की वजह से आपको diabetes mellitus हो सकती है. And साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आप permanently diabetes को कैसे reverse कर सकते हो. सबसे पहले तो आप कान खोलकर ये सुन लीजिए कि diabetes कोई बीमारी नहीं है, it's a lifestyle disorder. आप एक अच्छे lifestyle से इसे इजीली मैनेज कर सकते हो. एंड अगर आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो तो इट कैन बी क्योर्ड एज वेल. आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग डायबिटीज को ठीक करने के लिए आपको एक सही दिशा चाहिए, एक सही माइंडसेट चाहिए. इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए एंड आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग क्या क्या इफेक्टिव रेमेडीज आप यूज कर सकते हो डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए. तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि डायबिटीज होती क्या है एंड ये कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है. डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाती. बट इट्स जस्ट अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज, ये रूट कॉज नहीं है. चलो एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. आपको बहुत तेज बुखार है क्योंकि आपकी बॉडी में कहीं पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. आप टेम्परेरली पैरासिटामोल लेते हो एंड आपका बुखार दब जाता है. बट आपको बुखार तो बार बार आता रहेगा क्योंकि आपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए तो कोई मेडिसिन ली ही नहीं, आपने उसके रूट कोज को ट्रीट तो किया ही नहीं. सिमिलरली मेटफॉर्मिन जैसी मेडिसिन लेकर आप टेम्परेरली अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर लेते हो, बट ये डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं है. इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं होगा. देखो जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी हर चीज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है एंड इस ग्लूकोज को एज अ एनर्जी यूज करने के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल मस्ट एंटर द सेल, जिसके लिए हमें इंसुलिन चाहिए होता है. इंसुलिन एक तरीके से चाबी का काम करता है जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हेल्प करता है सेल के अंदर एंटर करने के लिए. ये एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी का सिनेरियो है. बट जब आपको डायबिटीज मेलिटस होती है या फिर आप एक्सेस में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर कंज्यूम करते हो तो आपके पैनक्रियास को बहुत ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन को सिक्रीट करना पड़ता है उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल में भेजने के लिए. एंड एक कंडीशन ऐसी आती है जब सेल और ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेने के लिए रेजिस्ट कर देता है. इसी को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं. अब इससे होगा क्या, हमारे ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज रहने लगेगा जो हमें हर वे में नुकसान करेगा. इसे हम हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं. इन जनरल हमारे ब्लड में 180/mg/dL से ज्यादा ग्लूकोज होता है तो इसे हम हाइपरग्लाइसीमिया में कंसिडर करते हैं. और अगर 300 mg/dL से ज्यादा होता है तो इट कैन बी डेंजरस एज वेल. इसे हम इमरजेंसी की कंडीशन कंसिडर करते हैं. अब सवाल ये है कि हाउ कैन वी रिवर्स द डायबिटीज. ये तभी पॉसिबल है जब ब्लड में प्रेजेंट एक्सेस ग्लूकोज को आप यूटिलाइज करोगे एंड मेक द बॉडी सेंसिटिव टू इंसुलिन एंड द डायबिटीज विल ऑटोमेटिकली गेट रिवर्स्ड. अब ज्ञान तो मैंने बहुत दे दिया, सॉल्यूशन पर आते हैं. सबसे पहला चेंज तो आपको अपनी डाइट में करना है क्योंकि डायबिटीज इज अ डाइटरी डिसऑर्डर. स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से, जिसमें आप उठते ही सबसे पहले कोई सीजनल फ्रूट ले सकते हैं. अगर वो सिट्रिक फ्रूट है तो बहुत बढ़िया है क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड है विच एक्चुअली हेल्प्स इन डायबिटीज. मेक श्योर आप होल फ्रूट खा रहे हो, फ्रूट जूस नहीं पी रहे हो क्योंकि उसमें सिर्फ शुगर आपकी बॉडी में जाएगा एंड फाइबर निकल जाएगा. एंड फाइबर तो बहुत जरूरी है डायबिटीज के लिए क्योंकि ये ब्लड में सडन शुगर स्पाइक नहीं होने देता. आफ्टर हाफ एन आवर यू कैन टेक ओट्स और वेजिटेबल दलिया जिसमें आप सीजनल वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो. फिर बारी आती है लंच की, जो कि आपको हमेशा एक प्लेट सैलेड से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि सैलेड में होगा
होगा फाइबर, एंड फाइबर इज वेरी बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज। ये आपको लंबे टाइम तक सेटिस्फाई भी रखता है एंड आपके ब्लड में सडन शुगर स्पाइक नहीं होने देता। सैलड में आप अनियन, टोमेटो, कुकुम्बर, बीटरूट, कैबेज और कैरेट ले सकते हैं। लंच में आप कोई भी प्रोटीन रिच दाल जैसे कि मसूर की दाल, चना दाल, उड़द दाल या राजमा, छोले प्लस कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स एंड चपाती ले सकते हो। वीट चपाती की जगह अगर आप मिलेट चपाती लेते हो डायबिटीज में तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। मिलेट फ्लोर आपको लोकल मार्केट में या फिर ऑनलाइन स्टोर्स पर इजीली मिल जाता है। लंच करने के बाद अगर इवनिंग में आपको स्नैकिंग का मन है तो आप लो कार्ब प्लस हाई फैट कोई भी स्नैक ले सकते हो, जैसे कि पंपकिन सीड, कैशू और आमंड्स, या फिर आप कोई सीजनल फ्रूट की एक सर्विंग भी ले सकते हो। इसके साथ आप जिंजर, तुलसी, सिनेमन, हर्बल टी भी ले सकते हो। अब लास्ट में बात करते हैं डिनर की, जिसमें आप कोई भी सूप ले सकते हो, जैसे कि पंपकिन सूप और टोमेटो सूप। वैसे ये डाइट वाइट तो आप इजीली फॉलो कर लोगे। जो लोगों से अवॉइड नहीं होता वो है रिफाइंड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मैदे वाला जंक फूड, प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड आइटम्स। अगर आप ये सब अवॉइड नहीं कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप सीरियस हो अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए। एंड अगर आप मीठे के बहुत शौकीन हो एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले रहे हो तो इससे वर्स भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज प्रूवन कि ये बॉडी में अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं होता एंड इसके एडवर्स साइड इफेक्ट्स हैं। इससे बेटर ऑप्शंस है हमारे पास। यू कैन हैव गुड़, शक्कर यानी जैगरी पाउडर, ड्राई डेट पाउडर एंड हनी। अभी तक हमने बात की डाइट मॉडिफिकेशन की, जो कि आप इजीली फॉलो कर लोगे। एंड अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग दो ऐसे रामबाण इलाज जो कि डायबिटीज को रिवर्स करने में आपकी हेल्प करेंगे। एक आपको मॉर्निंग में लेना है एंड एक आपको रात को सोते टाइम लेना है। मॉर्निंग वन इज मेथी दाना वाटर। रात को आपको मेथी दाना को पानी में सोक करके रखना है एंड सुबह मॉर्निंग में पहले आपको नॉर्मल पानी पीना है, फ्रेशन अप होना है एंड फिर मेथी दाना वाला पानी पीना है एंड लास्ट में मेथी च्यू करके खानी है। सेकंड रामबाण इलाज इज आमला टर्मरिक वाटर। हाफ ग्लास पानी में आपको 1 TSP आमला पाउडर एंड 1/4 TSP टर्मरिक पाउडर मिक्स करके अच्छे से रात को सोने से पहले पीना है। ये एक पोटेंट मेडिसिन है डायबिटीज रिवर्स करने के लिए। मार्केट में इसकी एक रेडीमेड टैबलेट भी अवेलेबल है बाय द नेम निशा अमल की योग। अब लास्ट स्टेप बट नॉट द लीस्ट टू रिवर्स द डायबिटीज, और वो है फिजिकल एक्टिविटी। आप नॉर्मल वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हो। वॉकिंग एक नेचुरल स्ट्रेस बस्टर है एंड ये प्रूव हो चुका है कि अगर आपको स्ट्रेस होता है तो बॉडी से स्टोर्ड ग्लूकोज रिलीज होता है ब्लड में। इसीलिए आपको जब भी टाइम मिले आप वॉक करो। सो लेट्स रिकैप एवरीथिंग आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो। सबसे पहले तो मैंने आपको डाइट मॉडिफिकेशन बताया, फिर मैंने आपको आयुर्वेदा के दो हर्ब्स बताए जो आपको हेल्प करेंगे डायबिटीज रिवर्स करने के लिए, एंड देन मैंने लास्ट में आपको सजेस्ट किया कि आपको अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी है। अगर आप मेटफॉर्मिन जैसी मेडिसिंस पर हो एंड ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हो तो एक टाइम आएगा जब आपके डॉक्टर आपकी डोज कम कर देंगे एंड हो सकता है कि आपकी मेडिसिंस भी बंद हो जाएं। मैं चाहती हूं आप एक महीने तक ये चैलेंज लो एंड स्ट्रिक्टली ये सारे स्टेप्स फॉलो करो एंड वापस आकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने ड्रॉप हुए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना मत भूलना। एंड हाँ, अगर आपने ये वीडियो देख ली है बट आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।